ये बेटियों की लड़ाई आप बता रही थी विनेश फोगाट कि कोई धर्मेंद्र नाम का व्यक्ति है जो एक बेटी के सीने पर हाथ मार के धक्का मारता है। आपने देखा होगा पुलिस वाला, आपने देखा होगा। मैं कहना चाहती हूँ अपनी बेटी के सीने पर हाथ मारना और तब आपको पता चलेगा कि बेटी को टच करना कैसा लगता है। अपनी बेटी के सीने पर हाथ मार के धक्का मारना, जब पता चलेगा अपनी बहन के सीने पर हाथ मार के धक्का मारना, ये देश का स्वाभिमान है, ये लड़ाई स्वाभिमान की हो गई है। ऐसा कौन व्यक्ति है जो बेटी से पैदा ना हुआ हो, जो महिला से पैदा ना हुआ हो? है कोई व्यक्ति या डाउनलोड करे हैं ये नेता जितने भी हैं? बेटी से पैदा हुए हैं ना, अगर इनको ईमान होता, इनका जिंदा, इनकी इंसानियत जिंदा होती, तो क्या वो व्यक्ति एक माँ की कोख से जन्म लेने वाला और उस सीने से भी उसने दूध पिया होगा जिस माँ ने उसको जन्म दिया होगा, वो एक बेटी के सीने पे हाथ मारता, बेशरम आदमी, शर्म नहीं आती उसको? और उसको तुरंत जो हटा दिया गया, और इन्होंने यहाँ पे जो दारू वारू का भी सिस्टम चलाया था इन्होंने, तभी उसको हटा दिया गया पुलिस वाले को। दो रेसलर्स को चोट भी लगी है, लेकिन ये दुर्भाग्य देखिए सिर फाड़े जा रहे हैं इन पहलवानों के, और इन्होंने इस तरीके का लठ बजाया, लड़कियों के साथ में बदसलूकी की है, पहलवानों के साथ में बदसलूकी की है। अब देश के प्रधानमंत्री को नहीं दिख रहा है कि देश की खिलाड़ियों के साथ में बदसलूकी हो रही तो देश की बदनामी होगी? अब नहीं दिख रहा देश के प्रधानमंत्री? ये बेटियों की लड़ाई आप ये देखिए, और मैं सभी लोगों से कहूंगी, बेटियों की इज्जत की बात है, बेटियों के सम्मान की बात है, सब बातों को छोड़ करके बेटियों के इस धरने में आकर के समर्थन कीजिए, क्योंकि इज्जत बेइज्जती की बात है ये बेटियों पर। लेकिन कल तीनों बेटियां जो है वो यहां से रो रही थी, यही बात है दुर्भाग्य हमारे देश का, कि चाहे वो किसान हो बैठ करके बॉर्डर पर रोता हो, या हमारे देश की बेटियां मेडल लाने वाली हो, वो रो रही हैं क्योंकि सरकार ध्यान नहीं दे रही है। देश के मौजूदा प्रधानमंत्री कर्नाटक में चुनाव की रैलियों को संबोधित कर रहे हैं और वहां पर बजरंग दल के लोगों को बजरंग बली बता रहे हैं, और यहां पर हमारी बहनें बैठी हुई है, विनेश फोगाट, बबीता फोगाट, गीता फोगाट, जो हमारी बहनें हैं ये, और ये आपका साक्षी मलिक जी, इनको भी माँ दुर्गा का रूप दे, बजरंग पुनिया बैठे हो, बजरंग बली का रूप दे, क्योंकि उन्होंने बजरंग बली की तरह अखाड़े में लोगों को पछाड़ा है, देश का सम्मान किया, देश का नाम रोशन किया है। लेकिन नहीं, देश के प्रधानमंत्री कर्नाटक चुनाव में व्यस्त है और वो बेटियों के नाम पर वाहवाही लूटने वाले। बेटियों की बात कर रहे हैं, महिला सम्मान ये बेटियों की बात ही कर रहे हैं ना, बेटियों का सम्मान कर रहे ना। ब्रजभूषण को गिरफ्तार करा, उसके पद से हटाए, क्यों? जब एक गृह राज्य मंत्री का बेटा कार चलाता है, गृह राज्य मंत्री भड़काऊ भाषण देता है, और आज जो ब्रजभूषण है वो भड़काऊ बातें कर रहा है और खुले मंच पर कह रहा है मैंने इतने मर्डर किए उतने किए, मेरा क्या बिगाड़ लेंगे, सिर्फ पद से ही हटा देंगे, उसके खिलाफ कोई जांच नहीं, कोई बुलडोजर नहीं, कोई कुछ नहीं, कह रहे हैं कि इन्वेस्टिगेशन हो जाएगा। अगर आज आप एक बयान दे दो तो आपका इन्वेस्टिगेशन बाद में होगा, सबसे पहले आपकी गिरफ्तारी होगी। पहली का बयान है ब्रजभूषण जी का, वो कह रहे हैं मेरे लोग इशारे के लिए बस इंतजार है, मैं जंतर मंतर पे इतनी भीड़। तो देखिए एक मंत्री इस तरीके की बातें करता है, एक अध्यक्ष WFI का अध्यक्ष इस तरीके की बातें करता है, और देश के गृह मंत्री चुप है, और देश के मंत्री सारे चुप है, वो महिला मंत्री भी चुप है, तो ये डराने का काम किया जा रहा है ना, ये अध्यक्ष के द्वारा, ब्रजभूषण के द्वारा महिलाओं को डराने का काम किया जा रहा है। जाइए, मैं कहती हूँ खुले मंच से और इस जंतर मंतर से आप जरा इशारा करिए, हमारी किसान कौम जो है वो तैयार है तुमसे लड़ने के लिए, ये मैं दावा करती हूँ, और मेरे जैसी बेटियां हैं वो लड़ने के लिए तुम्हारे लोगों से तैयार है। वो कैसे पीड़ित है, वो क्यों पीड़ित है? वो तो ठीक मलाई चाट रहे, वो तो बैठ करके एसीओ में बैठे, यहाँ मैं देख रही हूँ लाइट तक नहीं है, इतनी गर्मी पड़ रही है चमचमाती हुई, इन बेटियों के लिए, इन बहनों के लिए जो है वो नहीं है यहाँ पे, इतना लाइट भी बंद। और अभी मैं बता दूं 70-80 गाड़ियां सिंघू बॉर्डर से पंजाब हरियाणा से समर्थन में आ रही थी, उनको रोक लिया गया सिंघू बॉर्डर पर, और मैं इस वाले रास्ते से आई हूँ, कम से कम 60-70 हमारे भाई खड़े थे, बुजुर्ग खड़े थे, उनको अंदर तक नहीं आने दिया, हम लोग खुद भाग करके आए हैं। तरफ बैरिकेडिंग है, लोग आने नहीं दिए, क्यों नहीं? और मैं बताऊं आपका, सुबह तो जो मीडिया की एजेंसियां हैं उनको भी आना अलाउ नहीं था, ये आप लोग जानते हैं, ये लोकतंत्र की हत्या है, ये जो है भय पैदा करने। मैं पूनम पंडित हूँ, मैं अपने समाज की तरफ से, उत्तर प्रदेश की तरफ से समर्थन करने के लिए, अपने किसान संगठन की तरफ से समर्थन करने के लिए आई हूँ, और इसी तरीके से ये लोग किसान आंदोलन को बदनाम करते थे, कहते थे कि जाटों का आंदोलन है, एक राज्य का आंदोलन है, और उसका बाद में निष्कर्ष क्या निकला कि वो देश के किसानों का आंदोलन था, उसमें जीत दर्ज हुई। और मैं कहना चाहूंगी प्रधानमंत्री जी को कि जो भगोड़े थे वो एक राज्य के थे, गुजरात के, और यहाँ जितने भी लोग लेकर के मेडल आए हैं वो सभी हैं, और इनके समर्थन में सभी राज्य के लोग लगे हुए हैं, आप देख रहे होंगे मध्य प्रदेश, केरल, कर्नाटक से लोग आए हुए हैं समर्थन करने के लिए। जब तो ये नहीं कहते हैं कि एक ही राज्य में मेडलों की बौछार हो रही है, जब तो नहीं कहते हैं ये लोग, इनको आदत है आंदोलन को बदनाम करने की। और मैं एक बात कहना चाहूंगी, किसान आंदोलन की वो रूपरेखा आप लोगों ने सबने देखी थी, ये किसान आंदोलन को खालिस्तानी पाकिस्तानी आतंकवादी बता रहे थे, एक बरादरी का बता रहे थे, एक समाज का बता रहे थे, लेकिन उसका निष्कर्ष क्या निकला, देश का आंदोलन था, उसकी जीत दर्ज हुई। टुकड़े टुकड़े
कहेंगे ये? देखिए मैं आपको इतना कहना चाहूंगी, मैं उत्तर प्रदेश बुलंदशहर से आती हूँ और किसान की बेटी हूँ। किसानों के सम्मान बढ़ाने में चाहे मुझे कुछ भी जी जान से लगानी पड़ जाए, इन बेटियों के लिए मैं वो करती रहूंगी और ऐसे आंदोलन में समर्थन करती रहूंगी। इनका काम है, जब एक बजरंग दल के लोग तुम्हें ये करते हैं, लठ बजाते हैं, तुम्हारी बेटियों को उल्टा सीधा बोलते हैं, जब तुम पे नहीं बोला जाता, जब तुम पे ऐसे संगठन बैन नहीं करे जाते, बताइए। प्रियंका गांधी को चुनौती दे रहे हैं कि उत्तर प्रदेश में कहीं से भी लड़ सकते हैं मेरे से वो? प्रियंका गांधी तो चुनाव लड़ेंगी, वो राजनीति मुद्दा है राजनीति पार्टियों का, यहाँ मामला है देश के इन पहलवानों का, जो देश का सम्मान बढ़ाने वाले लोग हैं। देश की बेटियां बार-बार रो रही हैं, क्या उम्मीद है? मैं उम्मीद तो बहुत कुछ करती हूँ, लेकिन उम्मीद पर कभी प्रधानमंत्री खड़े नहीं उतरे, चाहे वो किसानों का आंदोलन हो। ये तो किसानों का दबाव था, किसानों ने हालत खराब करी थी देश के प्रधानमंत्री की, तब जाकर के बिल रद्द हुए थे। और मैं सभी लोगों से कहना चाहूंगी, जितने लोग मेरी वीडियो देख रहे हैं और यहाँ सुन रहे हैं, अपने अपने गांव से जिस तरीके से किसान आंदोलन में समर्थन के लिए कमेटी बनाई थी कि आज 10 लोग ये जाएंगे, आज 10 लोग ये जाएंगे, आज 10 लोग ये जाएंगे, गांव में अपनी कमेटी बनाइए, यहां जंतर मंतर पर समर्थन करने के लिए भेजिए। अगर जरूरत पड़ी तो ये पहलवानों का को अपनी कुर्सी का भय हो, जिस औरत को प्रधानमंत्री जी की सेवा करने का काम हो वो जनता की सेवा कभी नहीं करेगी। ये बात आपको समझनी होगी, जनता को समझनी होगी ना, वो बोल रही है क्या? नहीं बोल रही ना। आ जाए जरा जंतर मंतर पर, मिले इन बेटियों से, पता लगेगा ना कि ये बेटी क्या है, पता लगेगा। अमित शाह क्यों नहीं कह रहे हैं? दूसरी बात, अमित शाह के कहने पर क्यों? जो उस फेडरेशन में बेटी है हमारी, जो मेडल लेकर के आई है, वो आपसे निवेदन कर चुकी, आपको खूब कह चुकी, संविधान के दायरे में समझा चुकी, तो तुम क्यों नहीं इस्तीफा कर रहे हो? मतलब एक थाली के चट्टे बट्टे, एक कहता है कि मैं इस्तीफा दे दूंगा, लेकिन गृह मंत्री कहेगा, लेकिन गृह मंत्री तो कहते ही नहीं है। आपको तो पता है कैसी झूठी चाणक्य नीति से उन्होंने हमेशा किया है। आरोपित के रूप में इस्तीफा नहीं देंगे, आरोप लगा हुआ है तो इस्तीफा देके वो उसे सिद्ध नहीं करना। अरे एक आदमी खुद ही कहता है कि मैंने कर किया है, एक आदमी ये बयान देता है, WFI का अध्यक्ष ब्रजभूषण ये कहता है कि मेरा क्या बिगाड़ लेंगे, मेरा क्या उखाड़ लेंगे, यही कहता है ना। और फिर भी उस पर कोई कार्रवाई नहीं। प्रधानमंत्री जी मौन है और बड़ी बड़ी रैलियों में व्यस्त है कर्नाटक की चुनाव में, तो ठीक है, आप गृह मंत्री जी को आदेश दीजिए, आप दिल्ली पुलिस को, जिस दिल्ली पुलिस को आपने लठ बजवाने के लिए और घुसपैठियों से लठ बजवाने के लिए आदेश दिए थे ना, उन्हीं को आदेश करवाइए ना, इन बेटियों पर लठ बजवाए थे। क्यों नहीं करेंगे आंदोलन? कौन है इनमें VIP? कौन है इनमें VIP? अंधेरे में वो आ रहा है। क्यों नहीं आएगा? जब बेटियां जमीन पे सोएंगी तो हमें दर्द लगेगा, चारपाई भी आएंगी, कोई अपने घर से खाना भी लेके आएगा, कोई पानी की बोतल भी लेके आएगा। जिस जिस तरीके से आंदोलन में समर्थन किया जाता है लोगों से, उस तरीके से होता है। परमिशन क्या है? बेटियों के सोने के लिए परमिशन लेनी पड़ेगी क्या देश के प्रधानमंत्री से? बेटियों को सोने के लिए परमिशन लेनी पड़ेगी? अब जिस चीज की परमिशन होनी चाहिए उस चीज की तो परमिशन नहीं है। हमने प्रधानमंत्री थी, इस मामले में बात की थी, उन्होंने कहा था भरोसा रखो सब अच्छा होगा। किस बात पर भरोसा रखे जब देश के प्रधानमंत्री रैलियों में बिजी और बेटियों के आंसू देखने नहीं आ रहे हैं यहाँ पे? एक बेटी जो देश का गौरव बढ़ाती है, सम्मान और स्वाभिमान बढ़ाती है, एक बेटी, और आप कहते हैं कि ये लोग खुद बदनाम हो रहे हैं। ऐसी कौन सी बेटी है जो अपने आप को बदनाम करना चाहेगी, और खासकर वो बेटी जिसने देश का सम्मान बढ़ाया हो? है कोई बेटी आपकी नजरों में? क्या आपकी बहन बेटी करेंगी ऐसा? अपनी इज्जत को कोई खराब करेगा? नहीं। देश की बेटियां लगातार रो रो के न्यायालयों से और देश की जनता से अपील लगा रही है इंसाफ के लिए, कैसे देखते हैं इसे? लास्ट सवाल है। इंसाफ के लिए किसान भी लगा रहे थे गुहार, लेकिन तानाशाह ने नहीं सुना था, और आज बेटियां लगा रही हैं गुहार तब भी तानाशाह चुप बैठा है। लेकिन मैं आपसे वादा करती हूँ, दावा करती हूँ, जिस तरीके से किसान आंदोलन शांतिपूर्वक चला था, इन्होंने बदनाम करने की कोशिश करी थी, और इन्होंने रात भी इसलिए किया ताकि बदनाम हो सके, बदनामी इनको जवाब पहलवानों को मिल सके, लेकिन ये उसमें भी नाकाम रहे। ये थोड़े मोड़े सुर्रे से छोड़े जाएंगे, आंदोलन को बदनाम करने के लिए छोड़े जाते हैं सरकार द्वारा, इनसे घबराने की कोई जरूरत नहीं है। ये मुट्ठी भर लोग वो लोग हैं जो देश में चिंगारी पैदा करने का आंदोलन की हौसला रखते हैं, पता है आपको ये बात? पूरी तरीके से अब ये बन चुका है राजनीतिक। देखिए विपक्ष, यहाँ मैं बात करूंगी, जब जनता की आवाज विपक्ष होता है, सरकार कोई प्रताड़ित करती है, सरकार की नीतियों के खिलाफ कोई भी व्यक्ति अगर आंदोलन करता है, तो विपक्ष की बखूबी जिम्मेदारी बनती है कि वो जनता को समर्थन करे और सरकार के इन मुद्दों पर जो है आवाज उठाए। तो ये तो जंगले हिला देख रहे, ये तो संसदों के जंगले हिला देख रहे। यू महिला जो बैरिकेडन पर चढ़ जाए रही, यू जो बोल
बोल रही है, अब अपनी बेटी के लिए झूठ बात को सच करना चाह रही। ये भी तो ऐसी महिला थी ना, सिलेंडर ले लेकर के राजनाथ जी आंदोलन करते थे, तो विपक्ष की जिम्मेदारी बनती है और विपक्ष अपनी जिम्मेदारी को नहीं निभाएगा तो आप जैसे पत्रकार बोलेंगे कि वो जिम्मेदारी नहीं समझ रहा। जो आप यहाँ पे आ रही थी, आपने क्या देखा, क्या माहौल है? आप माहौल ये है, 70-80 गाड़ियों को रोक लिया गया बॉर्डर पे, और यहाँ तक आने के लिए भी इतनी ज्यादा सारे किसान आ रहे, दुर्व्यवस्था ये लोग कर रहे हैं। हाँ, किसान थे सभी लोग, हरी टोपी और हरे गमछे के साथ थे। भाई का चैनल है फॉरम पर, आप चेक कर लेना उस पर। तो क्या लगता है जो माहौल रात को था, आप यहाँ पे सुबह आना पड़ा, आपको क्या लगता है अब क्या माहौल है, और ये जिस तरीके से आंसू मतलब निकल रहे हैं? मैं रात लेट घर पे अपने पहुंची, प्रचार चल रहा है, प्रचार से मैं लेट पहुंची, मैंने रात वीडियो नहीं देखा, मैंने सुबह उठते ही वीडियो देखा। तो बुलंदशहर से आने में भी यहाँ समय लगता है, तो नहीं रहा गया, क्योंकि दोनों ही परिवार अपने हैं, और किसान परिवार भी और पहलवान परिवार भी, क्योंकि खिलाड़ी हूँ तो खिलाड़ी का दुख भी अच्छे से जानती हूँ, उसकी परेशानी भी अच्छे से जानती हूँ। मेडल वापस करने की बात कर रहे हैं? नहीं, अच्छी देखिए, ये अगर देश के प्रधानमंत्री गृह मंत्री इन बेटियों की इन खिलाड़ियों की बात नहीं मानते तो फिर वो मेडल वापस कर देना ही बेहतर है। दिल्ली पुलिस कह रही है कि कोई भी जो है हम रोक नहीं रहे किसी को प्रदर्शन करने की। नहीं नहीं नहीं, सुबह तो जितनी भी न्यूज कंपनियां उनको भी रोका गया था, झूठ बोला जा रहा है ये सबको पता है, न्यूज कंपनियों को भी रोका गया था। मैं लगातार 130-140 चैनल है हमारे ग्रुप में सबसे संपर्क कर रही थी, सबने बताया कि न्यूज पत्रकारों को तो छोड़ दीजिए, न्यूज कंपनियों को नहीं अंदर जाने दे रहे। और जो ये कई घंटे बाद खुला, 11 बजे के करीब इन्होंने इसको खोला यहाँ पे, होल्डिंग ला करके ये प्रदर्शन को बढ़ाया जा रहा, आंदोलन बड़ा रूप दिया। अब एक बात बताइए, बारिश हो गई, पानी है, ये बेटियां यहाँ बीमार हो जाए तो फोल्डिंग पे सो जाएंगी? आप नेता होकर के मंत्री होकर के एसिन में सो रहे हो डल्लब के गद्दों में, और ये बेटी इन तख्तों पे नहीं सो सकती, लकड़ी के तख्तों के फोल्डिंग पे बॉर्डरों को सील कर दिया गया। आप भी रेसलर रही, आपको कैसा फील हो रहा अगर इस तरह का मामला जब सामने आ? देखिए, मैं मुझे दुख महसूस हो रहा है कि एक जमाना वो भी था, खिलाड़ियों का सम्मान होता था, खिलाड़ी मेडल लेकर के आते तो उनकी बात तुरंत सुनी जाती थी, लेकिन आज देश में ये माहौल भी है कि ओलंपिक में हमारे मेडल लाए हुए साथी जो है उन पर इस तरीके का अत्याचार हो रहा। अरे वो बहन हमारी बता रही थी, विनेश फोगाट, कि कोई धर्मेंद्र नाम का व्यक्ति है जो एक बेटी के सीने पर हाथ मार के धक्का मारता है। आपने देखा होगा, पुलिस वाला आपने देखा होगा। मैं कहना चाहती हूँ, अपनी बेटी के सीने पर हाथ मारना और तब आपको पता चलेगा कि बेटी को टच करना कैसा लगता है। अपनी बेटी के सीने पर हाथ मार के धक्का मारना, जब पता चलेगा अपनी बहन के सीने पर हाथ मार के धक्का मारना, ये देश का स्वाभिमान है, ये लड़ाई स्वाभिमान की हो गई है। ऐसा कौन व्यक्ति है जो बेटी से पैदा ना हुआ हो, जो महिला से पैदा ना हुआ हो? है कोई व्यक्ति या डाउनलोड करे हैं ये नेता जितने भी हैं, बेटी से पैदा हुए हैं ना? अगर इनको ईमान होता, इनका जिंदा, इनकी इंसानियत जिंदा होती, तो क्या वो व्यक्ति एक माँ की कोख से जन्म लेने वाला और उस सीने से भी उसने दूध पिया होगा जिस माँ ने उसको जन्म दिया होगा, वो एक बेटी के सीने पर हाथ मारता? बेशरम आदमी, शर्म नहीं आती उसको? और उसको तुरंत जो हटा दिया गया, और इन्होंने यहाँ पे जो दारू वारू का भी सिस्टम चलाया था इन्होंने, तभी उसको हटा दिया गया पुलिस वाले को। दो रेसलर्स को चोट भी लगी है, चोट वोट जो है किसान भी और ये पहलवान अखाड़े में झेलते हैं, ये इनसे नहीं डरेंगे, लेकिन ये दुर्भाग्य देखिए सिर फाड़े जा रहे हैं इन पहलवानों के। किसान आंदोलन की तरह क्या कोई साजिश रची जा रही है आपको लगता है यहाँ पे आंदोलन खत्म, प्रदर्शन खत्म कराने की? ये प्रदर्शन किसान आंदोलन जो हुआ था वो स्थगित करा दिया गया था कुछ चटवों के साथ में, आपको पता ही होगा चाटुकार लोगों के साथ में आंदोलन को स्थगित करा दिया गया था। आंदोलन बंद नहीं होता क्योंकि MSP नहीं मिली, स्वामीनाथन रिपोर्ट लागू नहीं हुई है, लेकिन लोग उनके बहकावे में आ गए। मैं यहाँ के पहलवानों से अपील करती हूँ, किसी के बहकावे में ना, मैं अपना फैसला खुद ले मैं और फिर दूसरों को बतावे, चाहे वो किसान हो, चाहे वो विपक्ष हो, कोई भी हो, किस इन पहलवानों का फैसला खुद होना चाहिए। कल की घटना के बाद लगता है कि ममता फोगाट सपोर्ट पे आएंगी, क्योंकि उन्होंने पहले कहा था कि राजनीतिक रोटियां सेकी जा रही है इस प्रदर्शन के जरिए। देखिए, वो महिला जो है महिला के सम्मान में नहीं आती, तो वो पहलवान के सम्मानों में क्या आएगी? वो वही बेटी है जिसने मेडल लेकर के जब वो आई थी, खेल करके आई थी, हमने भी उनके लिए तालियां बजाई थी, लेकिन आज वो भारतीय जनता पार्टी की गोद में बैठी है। उनको अगर खिलाड़ियों का नहीं दिखता तो किसी का नहीं दिखता, क्या बात है? महिला पहलवानों से आप मिलके आ रही हैं, क्या देखा वहाँ पे, क्या बताया आपको? मैं तो देख रही हूँ कि खाने के लिए और इसकी भी बहुत व्यवस्था ख़राब है, लाइट भी भगा दिया, और रात सोने के लिए बारिश पड़ गई थी बहुत ज़्यादा, तो नीचे गद्दे वद्दे सब गीले हो गए थे, इसलिए वो फोल्डिंग आए थे लकड़ी के, तख्तों के फोल्डिंग है, और इन्होंने इस तरीके का लठ बजाया, लड़कियों के साथ में बदसलूकी की है, पहलवानों के साथ में बदसलूकी की है। अब देश के प्रधानमंत्री को नहीं दिख रहा है कि देश की खिलाड़ियों के साथ में बदसलूकी हो रही तो देश की बदनामी होगी? अब नहीं दिख रहा देश के प्रधानमंत्री को? चिट्ठी लिखी है, गिरफ्तारी होनी चाहिए, उसको पद से हटाना चाहिए। इन्वेस्टिगेशन होती रहती है, आम लोग की बात आती है और विपक्ष की बात आती है और किसानों की बात आती है, तो इन्वेस्टिगेशन बाद में करते हैं, गिरफ्तारी ये लोग पहले करते हैं।